अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सबका सदर गौर खटक साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो शमूलियत हुई है इनकी और जो लोग हमें आप इस प्लेटफार्म से देखेंगे उनके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सोशल मीडिया की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें कवरेज देते हैं और हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं। आज का प्रोग्राम दरअसल ऐसा था कि पिछले दिनों हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने तमाम तंजीमें मुअत्तल कर दी थी, तोड़ दी थी। तो अब हमारे कराची के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहब नए आ गए, उनको मैंने एक अशाइया दिया था और मैं पिछले 2 साल से कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का सदर था और मैंने शुक्रिया अदा करना था अपने वर्करों का, अपने अहदेदारों का, अपने टाउन यूसी और वार्ड का, क्योंकि उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया और हमने भरपूर काम किया और इंशाल्लाह हमने पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को पीटीआई का गढ़ बना दिया है। मैं कोई 3-4 बड़े प्रोग्राम करा चुका हूँ शमूलियत की और आज मैं सदर ना होते हुए भी आपने देखा कि कोई 100 लोगों ने शमूलियत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो इंशाल्लाह सदर कोई भी रहे, अहदेदार कोई भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध में हुकूमत कायम करनी है, कराची में अपने मेयर और चेयरमैन लाने हैं और ये शमूलियत का सिलसिला इंशाल्लाह जारी तारी रहेगा। और मैं अपने वर्करों और अपने अहदेदारों और अपने टाउन यूसी डिस्ट्रिक्ट अहदेदारों से कहना चाहता हूँ कि अहदों से कुछ नहीं होता है, आप जब आवाज़ देंगे गौर खटक और उसकी टीम आपके साथ खड़ी होगी और किसी की मजाल नहीं है कि वो पीटीआई के वर्कर के साथ कोई ज्यादती करे या कोई उनके साथ गलत काम करे। ना हम गलत काम करते हैं ना गलत काम को सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह।